अभय और सायशा विला में मौजूद थे। सायशा ने अभय और सैंडी की बात सुन ली थी। उसने अपना सवाल कंटिन्यू करते हुए कहा, क्या बातें चल रही है दोनों की? सायशा के सवाल पर सैंडी ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, मेम साहब, हम तो ये कह रहे थे कि हमें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना होगा। सायशा ने आंखें से गौर कर कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम जाओ। जवाब में सैंडी ने कहा, लेकिन मेम साहब, हमने अब तक लंच रेडी नहीं किया है। सर को वही बता रहे थे, हम जल्दी से लंच रेडी करते हैं। और वो आगे कुछ बोलता इसके पहले सायशा बोल पड़ी, सैंडी, इट्स ओके, तुम लंच की टेंशन मत लो, तुम जाओ और अपना काम करो। अभय उन दोनों की बात बहुत गौर से सुन रहा था। सैंडी ने अपनी सधी हुई आवाज में कहा, लेकिन मैडम, अभी भी तो आप आए हैं, आप थकी हुई होंगी। सैंडी की बात सुनकर अभय मन में बोला, अभी सैंडी सायशा को मना कर ही छोड़ेगा क्या? जब ये यहाँ से जाने के लिए कह रही है तो यहाँ से जा क्यों नहीं रहा इडियट। सैंडी और सायशा तक एक दूसरे को ढेर सारे ऑप्शंस देने में बिजी थे। अभय ने उन दोनों की ओर देखा और सैंडी से कहा, सैंडी, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और अपना काम करो। ये कहने के बाद अभय ने सैंडी को घूर कर देखा। उसके घूर कर देखने के तरीके से सैंडी को समझ में आ चुका था कि इस वक्त उसे केबीसी नहीं खेलना है, उसे बगैर बात किए यहाँ से जाना है। सैंडी ने तुरंत ओके सर कहा और वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद सायशा ने अभय की ओर देख कर कहा, तुम खाने में क्या पसंद करोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। उसकी बात सुनकर अभय ने सायशा की ओर देखा और कहा, तुम्हें जो कुछ बनाना है बना दो। ये बोलकर अभय चुप हो गया। सायशा वहां से किचन की ओर चली गई और अभय लिविंग रूम में बैठकर न्यूज चैनल देखने लगा। बीच बीच में एक नजर वो सायशा पर भी डाल लेता। आज उसे बहुत दिनों बाद सुकून मिल रहा था। सायशा किचन में सधे हुए तरीके से काम कर रही थी। कुछ देर बाद सायशा वहां पहुंची और उसने अभय की ओर देखकर कहा, अभय, लंच रेडी है। ये बोलकर वो वहां से डाइनिंग एरिया की ओर चली गई। अभय ने टीवी ऑफ किया और डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। वहां सायशा ने बहुत तरीके से खाने का बाउल सेट किया था। अभय अपनी चेयर पर सेटल हुआ। सायशा भी उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई और अभय की प्लेट में खाना सर्व करने लगी। बड़े दिनों बाद अभय उसे अपने इतने करीब देखकर बहुत खुश था। उसकी खुशी उसके चेहरे से समझ में आ रही थी। वो उसे खोए हुए अंदाज से देख रहा था। सायशा ने उसकी प्लेट में रखा खाना सर्व कर दिया और अपने लिए दूसरी प्लेट लेने लगी। अभय ने उसे टोकते हुए कहा, दूसरी प्लेट की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसने सायशा के हाथ से प्लेट लेकर दूसरी साइड रख दिया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। सायशा की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि इस पल के लिए उसने 2 महीने का इंतजार जो किया था। कुछ देर बाद उनका लंच हो चुका था और वो दोनों लिविंग रूम में रखे सोफे पर सेटल हो गए। अभय के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, वो सैंडी के आने का वेट कर रहा था। सायशा ने उसकी ओर देखा और कहा, अभय, तुमने अब तक अपनी मेडिसिन नहीं ली? ये बोलकर सायशा ने अभय को उसकी मेडिसिन पास की। अभय ने उसे मना करते हुए कहा, सायशा, अब मुझे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरी वाइफ और मेरा बेटा मेरे पास लौट आए हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा। सायशा ने सीरियस होकर कहा, अभय, अब तक तुम्हारी मेडिसिन खाने में बहाने बनाने की आदत नहीं गई है। ये बोलकर सायशा ने जबरदस्ती उसके हाथ में कुछ टेबलेट्स रख दी और पानी का गिलास पास किया। अभय को सायशा का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने चुपचाप मेडिसिन ले ली। सायशा स्माइल करती हुई उसे देख रही थी। अभय ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर के कहा, क्या तुम भी मुझे उतना ही मिस करती थी जितना मैं तुम्हें मिस करता था? सायशा कुछ बोल पाती इसके पहले ही अभय के पास टेबल पर रखा उसका मोबाइल फोन बजा। अभय ने आंखें गोल घुमा कर कहा, पता नहीं किसी इडियट ने गलत वक्त पर कॉल किया है। उसकी बात सुनकर सायशा ने खुद को उससे दूर करते हुए कहा, अभय, हमारी बातें होती रहेंगी, तुम देखो किसका कॉल है। ये बोलकर सायशा दूर बैठ गई। अभय ने मोबाइल देखा, फोन पर अमित का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। अभय ने दांत पीसते हुए कहा, पता नहीं मेरा भाई है मेरा दुश्मन, हमेशा गलत वक्त पर कॉल करता है। ये बड़बड़ करते हुए अभय ने फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही अभय को अमित की आवाज से पहले आयांश के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। आयांश के रोने की आवाज सुनकर अभय ने हड़बड़ा कर कहा, अमित, लक्की क्यों रो रहा है? अमित ने रिप्लाई किया, भैया, आई थिंक वो भाभी को मिस कर रहा है, भाभी अब तक नहीं लौटी है, वो आपको देखने गई थी, मैंने उन्हें कई बार कॉल किया लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया, न जाने वो कहाँ है। ये कहते वक्त अमित की आवाज में परेशानी के भाव थे। उसकी बात सुनकर अभय ने अपने पास बैठी सायशा पर नजर डाली, वो उसे ही देख रही थी। अमित की बात सुनकर अभय ने रिप्लाई किया, अमित, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, सायशा मेरे साथ है,
इस वक्त हम अंकल के विला में हैं। अभय की बात सुनकर अमित खुश हो गया। अभय ने एक बार फिर सायशा पर नजर डाली। वो अब तक उसकी अमित से फोन पर हो रही बातों को गौर से सुन रही थी। अभय ने रिप्लाई किया, तुम लकी को लेकर यहाँ आ जाओ। दूसरी ओर से अमित कुछ और बोल पाता उसके पहले ही सायशा अभय से बोल पड़ी, अभय हमें होटल से चेकआउट भी कराना होगा, इसीलिए मैं आयांश के पास जा रही हूँ। उसके बाद सुनकर अभय ने फोन पर कहा, अमित तुम लकी के साथ वहीं रुको, हम कुछ देर में वहीं पहुंचते हैं। ओके भैया, बोलकर अमित ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, मैं अभी चेंज करके आया, फिर हम निकलते हैं। उसके बाद सुनकर सायशा ने सीरियस होकर कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने अभी मेडिसिन ली है और अब तुम्हें आराम करना चाहिए। अभय ने जिद करते हुए कहा, नहीं अब मैं तुम्हें एक पल भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये बोलकर वो उठने ही वाला था कि इसके पहले सायशा ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, अभय क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? मैंने कहा ना मैं यूं गई और यूं आई हूं। अभय ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जल्दी आना। उसके बाद सुनकर सायशा ने भी हाँ में सर हिला दिया। दोपहर के 3 बज रहे थे। सायशा देवा के साथ होटल हयात पहुंची। वो होटल के अंदर एंटर होने ही वाली थी कि तभी उसे किसी ने आवाज देकर रोका, सायशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर सायशा ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, पीछे हर्ष मौजूद था। सायशा ने हर्ष को कई महीनों बाद देखा था। हर्ष को देखकर सायशा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने रिप्लाई किया, मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आई हूँ। सायशा के मुंह से उसके बेटे के बारे में सुनकर हर्ष को कोई खास खुशी नहीं हुई, इसीलिए उसने उससे आयांश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। हर्ष ने आइब्रोज उचका कर कहा, तुम कैसी हो? सायशा ने रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ। फिर कुछ सोचकर सायशा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर्ष ने रिप्लाई किया, मैं यहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ, साथ में डैड भी हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? ये बोलकर वो सायशा के रिप्लाई का वेट करने लगा। हर्ष की बात सुनकर सायशा ने आंखें गोल घुमा कर कहा, मुझे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है जो मैं उनसे जाकर मिलूं। इस वक्त उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। सायशा का जवाब पाकर हर्ष को महसूस हुआ कि उसने नाम लेकर गलत किया। हर्ष ने सायशा की ओर देखा और कहा, इट्स ओके, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। सायशा ने हर्ष की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। ये बोलकर सायशा वहां से अपने रूम की ओर चली गई। जैसे ही 24th फ्लोर पर पहुंचकर उसकी एयर कंडीशन लिफ्ट ओपन हुई, सामने अमित मौजूद था। वो आयांश को अपनी गोद में लेकर टहल रहा था। अमित की नजर जैसे ही सायशा पर पड़ी, उसने आयांश को उसे गोद में देते हुए कहा, भाभी मैंने बड़ी मुश्किल से इसे सुलाया है। सायशा ने आयांश को गले लगाया और अमित की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी अमित, मुझे आने में लेट हो गया। जवाब में अमित ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, आपकी वजह से यहाँ होटल के खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने मुझे आयांश का सिंगल फादर समझ लिया और वो मुझे बहुत अटेंशन दे रहे थे। आपको पता है उसने आयांश को सुलाने में मेरी बहुत हेल्प की। ये कहते वक्त अमित के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। इसकी बात सुनकर सायशा ने होठों को कर्ल करते हुए शरारती लहजे से कहा, लगता है आयांश की वजह से उसके चाचू को लड़कियों की बहुत अटेंशन मिल रही है। अमित ने कंधे उचका कर कहा, भाभी आपका देवर है ही इतना स्मार्ट। सायशा ने धीरे से उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, स्मार्ट देवर जी, चलिए अब हमें होटल से चेकआउट करना है। ये बोलकर वो अमित के चेहरे की ओर देखने लगी। उसकी बात सुनकर अमित ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? सायशा ने जवाब दिया, तुम्हारे भैया और आयांश के डैड के पास। ये कहने के बाद सायशा ने स्माइल कर दिया। उसकी बात सुनकर अमित खुशी से उछल पड़ा। उसने खुश होकर कहा, पर तो चेकआउट जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी ओर हर्ष होटल हयात की मीटिंग रूम में मौजूद था। उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी। उसकी मीटिंग खत्म होने के बाद वो और रंजन मीटिंग हॉल में मौजूद थे। सारे लोग वहां से जा चुके थे। सभी के वहां से जाने के बाद रंजन ने हर्ष की ओर देखकर कहा, तुम्हें मीटिंग में आने में लेट हो गया, तुम्हें पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना चाहिए, हमारे फील्ड में एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। हर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। रंजन ने कुछ सोच कर कहा, वैसे मैंने तुम्हें सायशा के साथ बात करते देखा था। रंजन की बात सुनकर हर्ष ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ जब मैं मीटिंग के लिए आ रहा था तब वो मुझे होटल के बाहर मिली। उसकी बात सुनकर रंजन ने गुस्सा करते हुए कहा, जरूर तुमने ही उसे मिलने बुलाया होगा, एक तुम ही हो जो उस मनहूस को इतनी तवज्जो देते हो।
रंजन की बात सुनकर हर्ष को अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्सा करते हुए कहा, डैड आप सायशा के लिए ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? चलिए मॉम और राशि की बात एक बार समझ में आती है कि वो सायशा को पसंद क्यों नहीं करती, लेकिन आप, वो आपकी अपनी बेटी है, उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, आपके मुंह से उसके लिए ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर रंजन ने उसे डांटते हुए कहा, हर्ष तुम अपने लिमिट में रहकर बात करो तो बेहतर होगा। इस बार हर्ष भी चुप नहीं रहा। उसने गुस्सा करते हुए कहा, लिमिट मैं नहीं, लिमिट आप क्रॉस कर रहे हैं। क्या सायशा आपकी बेटी नहीं है? क्या आपका और उसका DNA एक नहीं है? आखिर क्यों आप उससे इतनी नफरत करते हैं? हर्ष की बात सुनकर रंजन एक पल के लिए चुप हो गए। उनके पास हर्ष को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। आखिर क्या बात है? रंजन हर्ष की बातें सुनकर चुप क्यों थे? क्या वजह है? आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। हर्ष और रंजन की बातचीत अब तक जारी थी। रंजन ने हर्ष की बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं उससे नफरत क्यों करता हूँ। हर्ष ने उन्हें उनके अंदाज में रिप्लाई दिया, डैड मुझे मतलब है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप सायशा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या वजह है? ये बोलकर हर्ष उनके रिप्लाई का वेट करने लगा। हर्ष के ऐसा कहते ही रंजन की आंखों के सामने सायशा की माँ का चेहरा घूम गया। उन्हें एक एक करके वो पल याद आने लगे जब उन्होंने सायशा की माँ को दूसरे आदमी से हंस हंस कर अकेले बात करते देखा था। इस मंजर को याद करके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उनके कानों में सायशा की माँ की आवाज गूंजने लगी जब वो रोते हुए कह रही थी, रंजन यकीन करो, मेरे पेट में तुम्हारी औलाद है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। और रंजन ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था। यहां तक कि रंजन ने सायशा और अपना DNA टेस्ट भी करवाया था, जिसमें पता चला था कि सायशा रंजन की ही बेटी है। फिर भी रंजन ने कभी सायशा को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में थी तब रंजन ने उसकी माँ को किसी गैर मर्द के साथ देखा था। बस इस बात से रंजन की नफरत का शिकार सायशा भी हो गई। रंजन ये सारी बातें आग बंद करके सोच रहा था, तभी हर्ष ने उनके कंधे झकझोरते हुए कहा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आखिर क्यों आप इस बात का जवाब नहीं देते? आखिर उसके ऐसा करने से रंजन अपने ख्यालों से बाहर आए और उन्होंने सपाट लहजे में कहा, अभी इस बात का कोई वजूद नहीं है। ये बोलकर उन्होंने अपनी व्हील चेयर मीटिंग रूम से बाहर की ओर धकेल दी। वो हर्ष के सवालों से अपने आप को कैसे भी करके बचाना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा कर भी दिया। और उधर अभय खन्ना पैलेस पहुंच चुका था और वो शिद्दत से सायशा और आयांश का वेट कर रहा था। इस वक्त शाम के 6 बज चुके थे और उसे एक एक पल काटना बहुत भारी लग रहा था। वो बार बार घड़ी के कांटों को देखता और बार बार वो पैलेस के गेट की ओर देख रहा था। तभी उसे कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। हॉर्न सुनकर वो लिविंग रूम से बाहर निकला। इस वक्त सायशा आयांश को गोद में लेकर मुस्कुराती हुई अभय को देख रहे थे। इस वक्त उनके साथ अमित भी मौजूद था। अभय को देखकर अमित बहुत खुश हुआ और भागकर उसके गले लग गया। अभय ने उसकी आंखों में देखा और उसने थैंक यू कहा। जवाब में अमित ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ये कहते वक्त अमित का गला भर आया। अभय सायशा के करीब गया और उसने उसकी गोद से आयांश को लिया। आयांश ने जैसे ही अभय का चेहरा देखा, वो उसके पास खड़े अमित की ओर देखकर जोर जोर से रोने लगा। अभय ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, क्या हुआ आयांश को डैड पसंद नहीं आए? अमित ने हंसते हुए कहा, भैया आयांश डैड से ज्यादा चाचू को प्यार करता है। ये बोलकर अमित ने जैसे आयांश के आगे अपने हाथ बढ़ाए, आयांश तुरंत अमित के पास चला गया और उसके पास जाकर चुप हो गया। ये देखकर अभय ने अमित के कान खींचते हुए कहा, ये बदमाश चाचू है, पापा बदमाश चाचू की बहुत पिटाई करेंगे। अभय को अमित के साथ ऐसा करते देखकर आयांश और ज्यादा जोर से रोने लगा। अभय ने अमित के कान छोड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, पापा चाचू की पिटाई नहीं करेंगे। उन सबके बीच हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। सारे लोग पैलेस के अंदर पहुंचे। अमित आयांश के साथ खेलने में बिजी था। सारे लोग लिविंग रूम में मौजूद थे। अभय ने अमित की ओर देखकर कहा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जवाब में अमित ने कहा, अच्छी चल रही है भैया, आपको तो पता है आपका छोटा भाई कितना स्मार्ट है। ये बोलकर एक बार फिर उसके साथ खेलने में बिजी हो गया। उनकी बातचीत चली रही थी कि अमित ने अभय की ओर देखकर कहा, भैया क्या आप आर्यन भैया के बेटे को देखने गए? अमित की बात सुनकर सायशा ने हैरान होकर अमित की ओर देखा। अमित का रिप्लाई आया, भाभी मैं आपको बताना भूल गया था कि आर्यन भैया का बेटा हुआ है,
भैया ने मुझे मैसेज किया था। अमित की बात सुनकर अभय के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए, फिर कुछ सोचकर उसने रिप्लाई किया, नहीं इस बीच में कहीं नहीं गया। साईशा ने अभय और अमित की ओर देखकर कहा, वैसे तुम दोनों को आर्यन और पल्लवी से मिलने जाना चाहिए। अभय ने तुरंत साईशा पर नजर डाली और कहा, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? हम ये कहते वक्त उसके चेहरे पर थोड़े अजीब से भाव थे, पर पल्लवी का नाम सुनकर साईशा ने तुरंत नहीं में सर हिला दिया, और क्योंकि उस पर पल्लवी ने जो इल्जाम लगाए थे वो साईशा को अब तक याद था। अभय ने तुरंत रिप्लाई किया, जब तुम नहीं जा सकती तो फिर तुम मुझे वहां जाने के लिए क्यों कह रहे हो? आई एम सॉरी, मैं भी नहीं जाने वाला। उन दोनों की बातचीत चल रही थी तभी अमित ने उन दोनों की ओर देखकर कहा, आप दोनों का वहां ना जाना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। अमित की बात सुनकर अभय ने हां में सर हिला दिया और कहा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, लेकिन याद रखना वहां हस्बैंड वाइफ के बीच में तुम्हें कुछ नहीं कहना है और तुम्हें पल्लवी की बातों में नहीं आना है, तुम्हें याद है ना? उसकी बात सुनकर अमित ने हां में सर हिला दिया और कहा, हाँ भैया मुझे अच्छी तरह याद है। ये कहने के बाद उसने आयांश को अभय के गोद में दे दिया और कहा, मैं आर्यन भैया से मिलने जा रहा हूँ, आज मैं डिनर वहीं करूंगा। ये बोलकर उसने साईशा और अभय को बाय की और पैलेस से बाहर आ गया। कुछ सोचकर उसने आर्यन का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से आर्यन ने जैसे ही फोन रिसीव किया, अमित ने उसे बधाई देते हुए कहा, भैया कंग्रेचुलेशंस, आप डैड बन गए और मैं चाचू। आर्यन ने शिकायती लहजे में कहा, तुमने बहुत जल्दी बधाई देने के लिए कॉल किया है। जवाब में अमित ने कहा, आई एम सॉरी भैया, लेकिन मैं अपने भतीजे से मिलने आ रहा हूँ, आप घर पर है ना? अमित की बात सुनकर आर्यन ने कहा, मैं किसी काम से बाहर आया हूँ, लेकिन तुम घर पहुंचो, मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। अमित ने ओके कहा और फोन कट हो गया। अमित से बात करने के बाद आर्यन ने अपने सामने खड़े शख्स की ओर देखा और कहा, बताओ क्या खबर है? आर्यन की बात सुनकर उस शख्स ने रिप्लाई किया, पता चला है साईशा मैडम अपने बेटे के साथ वापस पैलेस लौट आई है। कुछ सोचकर आर्यन ने कहा, साईशा और अभय वो दोनों इतने दिन एक दूसरे से दूर क्यों थे? उसके पीछे की वजह पता चली? जवाब में उस शख्स ने हां में सर हिलाया और कहा, दरअसल मिस्टर अभय खन्ना को शक है कि साईशा आपके मरहूम अंकल की बेटी है। ये बात सुनकर आर्यन भी एक पल के लिए हैरान हो गया और उसने आंखें सिकोड़ कर उसकी ओर देखा। वो शख्स यही नहीं रुका, उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, इसीलिए उन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से टेंशन चल रही है। आर्यन ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा। उस शख्स ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से बगैर साईशा मैडम को बताया डीएनए टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट ये रही। ये कहते हुए उस शख्स ने एक एनवेलप आर्यन के हाथ में दे दिया। आर्यन ने एनवेलप हाथ में लेते हुए उस शख्स की ओर देखकर कहा, और ये रिपोर्ट क्या कहती है? उस शख्स ने कहा, साईशा रंजन अलवालिया की बेटी है, उसका आपके फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनका डीएनए मैच नहीं हुआ। ये बात सुनकर आर्यन ने अपने होठों को कर्ल करते हुए उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है? उस शख्स ने हां में सर हिला दिया और वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद आर्यन ने उस रिपोर्ट की ओर देखा और कहा, बहुत दिनों से मैं आपके भाई की जिंदगी से साईशा का नाम का काला धब्बा हटा देना चाहता था, और आज ये मौका खुद मेरे पास चल कर आया है। ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। और उधर अमित आर्यन की विला पहुंच चुका था, लेकिन वो विला के बाहर बने खूबसूरत से गार्डन एरिया में आर्यन के आने का वेट कर रहा था। उसे अकेले विला के अंदर जाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसे भी पल्लवी की पिछली बार वाली बात याद थी। और तभी पल्लवी वहां पहुंची। उसने अमित की ओर देखकर कहा, अमित तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो, तुम अंदर क्यों नहीं आए? जवाब में अमित ने कहा, भाभी मैं भैया के आने का वेट कर रहा था। पल्लवी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम यहाँ अपने भतीजे को देखने आए हो ना, आओ। ये बोलकर पल्लवी ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ विला के अंदर लेकर चले गए। इस बीच अमित ने पल्लवी से कोई बात नहीं की थी। पल्लवी उसे लेकर बेडरूम में पहुंची, जहां मेड उसके छोटे से बेटे को संभाल रही थी। उस बच्चे को देखकर अमित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगा। पल्लवी उसे स्माइल करते हुए देख रही थी। पल्लवी ने वहां मौजूद मेड को जाने का इशारा कर दिया। इशारा पाकर मेड वहां से चली गई। पल्लवी ने अमित की ओर देखकर कहा, अमित क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो? अमित ने नहीं में सर हिला दिया। फिर पल्लवी ने कहा, तो फिर तुम इतने दिनों बाद हमसे मिलने आए, मुझे तो ऐसा लगा था तुम जैसे गुड न्यूज सुनोगे तुम तुरंत भागे चले आओगे। अमित ने बात बनाते हुए कहा, दरअसल भाभी मैं इंडिया में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अमित मैंने गलती की थी, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ,
मुझे मेरे किए की बहुत सजा मिल चुकी है, अब तो मुझे इस तरह और सजा मत दो। अमित सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। पल्लवी ने आगे बात बनाते हुए कहा, मैंने सायशा के साथ जो कुछ किया वो जलन से किया और सारे लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। आर्यन भी बुरी तरह बदल चुका है, अब वो मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करता, वो मुझसे नफरत करता है। अब तुम ही बताओ अमित, इससे बड़ी सजा मुझे और क्या मिलेगी। अमित चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था कि तभी वहाँ आर्यन पहुंचा। आर्यन ने रूम के अंदर एंटर करते हुए कहा, देवर और भाभी की क्या बात हो रही है हुँ? अमित ने जैसे आर्यन को देखा वो उसके गले लग गया। पल्लवी अचानक आर्यन के वहाँ आने से हड़बड़ा गई थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अब बस यूं ही मैं पूछ रही थी कि अमित बहुत दिनों बाद घर आया है। आर्यन ने पल्लवी पर नजर डाली और कहा, मैंने तुमसे नहीं पूछा, जब तक तुमसे ना पूछा जाए मुंह बंद रखा करो। ये लाइन कहते वक्त उसकी आवाज में उसकी नफरत साफ झलक रही थी। आर्यन ने अमित की ओर देखकर कहा, अमित हम बाहर बैठते हैं, आज दोनों भाई ढेर सारी बातें करेंगे। अमित ने बच्चे को पल्लवी के हाथ में दिया और आर्यन की व्हीलचेयर बाहर की ओर ले गया। इस वक्त आर्यन अमित के साथ लिविंग रूम में मौजूद था। उसने अमित की ओर देखकर कहा, वैसे अमित तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? उसकी बात सुनकर अमित ने रिप्लाई किया, भैया मैं बिजनेस ट्रिप से बाहर गया हुआ था। आर्यन ने कुछ सोचा और कहा, अब अभय की तबीयत कैसी है? अभय का नाम सुनकर अमित ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब वो तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें क्या हुआ है? आर्यन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता चला है अभय को मेंटल डिसऑर्डर है, तुम्हें तो पता ही होगा, आखिरकार तुम उसके चहेते भाई जो हो। अमित को समझ में आ रहा था कि इस वक्त आर्यन उससे सच उगलवाना चाहता है, इसलिए उसने कुछ बात बनाते हुए कहा, अब अभी वो बिल्कुल ठीक है। आर्यन ने आंखें सिकोड़ कर उसकी ओर देखा और कहा, वैसे अमित तुम बिजनेस ट्रिप के लिए कहाँ गए थे? अमित ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, अब भैया मैं फुकेट गया हुआ था। आर्यन ने स्माइल देते हुए कहा, लेकिन जहां तक मुझे पता है फुकेट से इंडिया की सारी फ्लाइट पिछले 10 दिनों से कैंसिल्ड है, फिर तुम इंडिया कैसे पहुंचे? ये कहने के बाद आर्यन सवालिया नजरों से अमित की ओर देखने लगा। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आर्यन और अमित की बातचीत अब तक जारी थी। अमित को समझ में आ चुका था कि आर्यन उसे बातों में फंसा रहा है और इस वक्त उसका आर्यन के साथ ज्यादा देर बैठना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो अचानक से उठकर खड़ा हो गया और उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, अब भैया आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन अगली बार हम देर तक बैठेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ये बोलकर उसने आर्यन को हक किया और लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गया। इस बीच आर्यन ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आर्यन को सारा सच पता जो था। उसके वहां से जाने के बाद आर्यन गुस्से से दांत पीसते हुए अपने बेडरूम में पहुंचा। इस वक्त पल्लवी अपने बच्चे को सुला रही थी। अचानक आर्यन को वहां देखकर पल्लवी डर से कांप उठी। उसने डरते हुए अपनी ओर देखा और कहा, क्या बात है आर्यन? पल्लवी की बात सुनकर आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना, मैं बहुत बदल गया हूँ। ये कहते हुए आर्यन गुस्से भरी नजरों से उसकी ओर देख रहा था। उसकी बात सुनकर पल्लवी ने डरते हुए कहा, अब आर्यन तुम क्या करना चाहते हो? आर्यन ने व्हीलचेयर उसके पास करते हुए कहा, बच्चे को मेज के पास देकर आओ जल्दी। उसकी बात सुनकर पल्लवी बहुत डर रही थी। उसने डरते हुए कहा, आर्यन क्या हुआ है तुम्हें? मैंने मुझसे कुछ नहीं कहा। पल्लवी के चेहरे पर आर्यन का खौफ देखा जा सकता था। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, सीधी तरह बात मानती हो या फिर मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद आर्यन ने मेड को आवाज लगाई और उसकी एक आवाज पर वहां कई मेड आ गई। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, आप लोग बच्चे को लेकर बाहर जाइए। सभी लोगों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। आर्यन ने गुस्से से कहा, क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दिया? बच्चे की मेड ने उसे गोद में उठाया और वहां से बाहर चली गई। उसे फॉलो करते हुए सारे लोग वहां से चले गए। पल्लवी के चेहरे पर डर के भाव देखे जा सकते थे। आर्यन ने गुस्से से कहा, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। पल्लवी ने कांपते हुए कहा, आर्यन प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने जो करने के लिए कहा है सीधी तरह से करो, वरना मुझे अपनी बात मनवाने के और भी कई तरीके आते हैं। पल्लवी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आर्यन ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, अपने कपड़े उतारो। उसकी बात सुनकर पल्लवी ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, आर्यन प्लीज अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम किस कंडीशन में हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तो तुम्हें अपना प्यार दिखाना है।
कहते हुए आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। पल्लवी को भी अच्छी तरह पता था कि अब आर्यन के चंगुल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसीलिए उसने आर्यन से बचने की कोई जद्दोजहद नहीं की। रात के 11 बज चुके थे। खन्ना पैलेस में अभय और सायशा डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। सायशा ने अभय को खाने की प्लेट सर्व करते हुए कहा, आज खाने में तुम्हारी फेवरेट दाल बनी है। अभय इस वक्त मोबाइल देखने में बिजी था। उसने सायशा की बातों पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। सायशा ने उसके हाथों से मोबाइल लिया और क्यूट सा फेस बनाकर कहा, खाते समय खाने पर ध्यान देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बात सुनकर अभय ने स्माइल कर दिया। तभी वह अमित पहुंचा। वो सायशा के पास वाली चेयर पीछे की ओर सरकाते हुए उस पर बैठ गया और उसने सायशा की ओर देखकर कहा, भाभी मुझे भी खाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सायशा ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया और उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों अमित, तुमने तो कहा था कि तुम डिनर आर्यन के साथ करने वाले हो, क्या हुआ तुम्हारे भाई ने तुम्हें खाना नहीं दिया? उसकी बात सुनकर अमित ने रिप्लाई किया, भैया आज आर्यन भैया किसी जग्गा जासूस से कम नहीं लग रहे थे, बस उन्हें डिटेक्टिव का चश्मा और हैट लगा दिया जाए तो आज वो कम्प्लीटली जग्गा जासूस के रोल में थे। ये कहने के बाद अमित ने खाने की पहली बाइट ली। अमित की बात सुनकर अभय सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। अमित ने अभय की ओर देखकर कहा, वो आज मुझसे आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं 7 दिन बाद उनके बेटे को देखने आया, उसके पीछे का वो कारण जानना चाहते थे। सायशा भी उनकी बातें सुन रही थी। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? अमित ने कहा, भैया मैंने तो कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए फुकट गया हुआ था, लेकिन आर्यन भैया यही नहीं रुके, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि इंडिया और फुकेट के बीच में फ्लाइट पिछले 10 दिनों से कैंसिल्ड है, तो फिर मैं इंडिया कैसे आया? अभय ने कुछ सोचा और कहा, फिर तुमने क्या कहा? अमित ने रिप्लाई दिया, अब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं मिल्खा सिंह की तरह भागकर यहां चला आया। ये कहने के बाद अमित एक बार फिर खाना खाने लगा। उसकी बात सुनकर सायशा हंसने लगी। अभय के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अभय ने अमित की ओर देखा और कहा, वैसे अमित तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? उसकी बात सुनकर अमित ने आंखें सिकोड़ कर कहा, मैं दिल्ली नहीं जाने वाला, वहां जाकर मैं क्या करूंगा? उसकी बात सुनकर अभय ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम वहां अपना लास्ट सेमेस्टर पूरा करोगे, मैं नहीं चाहता हमारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब हो। अमित ने जिद करते हुए कहा, नहीं भैया मैं वहां नहीं जाने वाला हूं, मैं नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपना लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लूंगा। उसकी बात सुनकर अभय ने कहा, अमित तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, सिर्फ 6 महीने की बात है, दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। जवाब में अमित ने कहा, भैया आपको पता है वहाँ कॉलेज में सब मुझे फैमिली मैन समझते हैं, सभी को लगता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है, जब मैं वहाँ जाऊंगा और कॉलेज में सब मुझसे मेरी बीवी और बच्चे के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? उसकी इस बात को सुनकर अभय ने आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा। अमित ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, हाँ भैया मैंने उन लोगों को सच बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मैं तो दिल्ली वापस नहीं जा रहा हूँ। ये बोलकर अमित फिर से खाना खाने लगा। अमित की बात सुनकर अभय को थोड़ा जेलस फील हुआ। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि अमित और सायशा का रिश्ता कैसा है, लेकिन फिर भी उसे गलत फहमी में भी सायशा का नाम किसी के साथ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना खाने लगा। अमित ने उस पर नजर डाली और उसे छेड़ते हुए बोला, भैया ये क्या, आप इतना थोड़ा खाना कैसे खा रहे हैं? ये कहने के बाद उसने सायशा की ओर देखा और कहा, भाभी भैया की प्लेट पर थोड़ा और खाना दीजिए, देखिए भैया कितने कमजोर हो गए हैं। उसकी बात सुनकर अभय ने आवाज सख्त करते हुए कहा, चलो फाइट करके देखते हैं कौन जीतने वाला है। अमित ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं आपसे कहां जीत सकता हूं, मैं तो मजाक कर रहा था, कि बोलकर वो हंसने लगा। अमित के आने के बाद वहां का माहौल काफी खुशनुमा था। रात के 12 बज चुके थे। सायशा बेडरूम में मौजूद थी। वो बुक पढ़ रही थी और अभय सोते हुए आयांश को बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर बाद अभय ने अजीब सा फेस एक्सप्रेशन देते हुए सायशा की ओर देखकर कहा, सायशा हमारे बेडरूम से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? ये कहने के बाद उसने बहुत अजीब सा फेस बनाया। उसकी बात सुनकर सायशा ने हंसते हुए कहा, ये स्मेल तुम्हारे बेटे की वजह से है, कि बोलकर वो अपनी जगह से उठकर आयांश के पास पहुंचे। अभय सवालिया नजरों से सायशा को देख रहा था। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, आयांश का डायपर चेंज करना होगा, उसने डायपर गंदा कर दिया है। ये बोलकर सायशा जोर से हंस पड़ी और आयांश के करीब आकर बैठ गई। उसकी बात सुनकर अभय ने रिप्लाई किया, आयांश का डायपर आज से उसके डैड चेंज करेंगे। ये बात सुनकर सायशा आंखें बड़ी करके उसकी ओर देखने लगी। अभय ने कंधे उचकाकर कहा, हाँ आज उसके डैड ये काम करेंगे।
ये बोलकर अभय आयांश के डायपर की तरफ देखने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो डायपर कैसे चेंज करे। उसने सायशा की तरफ देखा और कहा, तुम मुझे गाइड करो, मैं करता हूँ। सायशा ने रिप्लाई किया, अभय तुमसे नहीं होगा, मैं करती हूँ। अभय ने उसकी ओर देखा और अपनी आवाज कड़क करते हुए बोला, अच्छा ये बताओ आयांश, तुम्हारे पास किसकी वजह से है? उसकी बात सुनकर सायशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने कहा, अब अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें गाइड करती हूँ, तुम डायपर चेंज करो। सायशा अभय को डायपर चेंज करने का इंस्ट्रक्शन देने लगी। अभय ने उसके इंस्ट्रक्शन में डायपर चेंज कर दिया, लेकिन इस वक्त आयांश को अभय ने बहुत बेतरकीबी से डायपर पहनाया था। अभय ने डायपर चेंज करने के बाद सायशा की ओर देखकर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि मैं एक अच्छा डैड हूँ। उसके इतना कहते ही आयांश की नींद खुल गई और वो जोर से रोने लगा। सायशा ने उसे जैसे ही गोद में उठाना चाहा, उसके पहले अभय उसे गोद में उठाकर बेडरूम में टहलने लगा। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय आयांश ऐसे चुप नहीं होगा, लाओ उसे मुझे दो। अभय ने जिद करते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं एक अच्छा डैड हूँ, मैं आयांश की केयर कर सकता हूँ। सायशा को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने अभय के पास जाकर धीरे से कहा, अभय इस वक्त आयांश को भूख लगी है। ये बात सुनकर अभय ने आयांश को सायशा की गोद में दे दिया। सायशा ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी अभय, ये काम तुम नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो और जोर जोर से हंस पड़ी। उसकी बात सुनकर अभय ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, गंदी मम्मा। कि तभी अभय का फोन बजा। अभय ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली। फोन पर सैंडी का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। अभय ने सायशा की ओर देखा और कहा, तुम आयांश को चुप कराओ, मैं अभी आया। ये बोलकर उसने सायशा के कुछ कहने का वेट भी नहीं किया और तुरंत वहां से चला गया। इस वक्त सैंडी घर के लिविंग रूम में मौजूद था और उसके हाथ में एक एनवेलप था। अभय ने सैंडी पर नजर डाली और धीरे से कहा, स्टडी में आओ। ये बोलकर वो वहां से स्टडी की ओर चला गया। न जाने क्यों उस वक्त अभय का दिल जोरों से धड़क रहा था। कभी किसी से ना घबराने वाला अभय इस रिपोर्ट से एक बार फिर से घबराया हुआ था। उसने सैंडी की ओर देखकर कहा, सैंडी रिपोर्ट में क्या है? सैंडी ने रिप्लाई किया, सर मेरी रिपोर्ट देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये कहते हुए उसने बहुत तरीके से एनवेलप अभय के हाथों में सौंप दिया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अभय और सैंडी अब तक पहले इसके स्टडी में मौजूद थे और उनकी बातें अब तक जारी थी। अभय ने बहुत हिम्मत करके एनवेलप ओपन किया और इस वक्त सैंडी अभय के चेहरे की ओर देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने टेबल पर रखा अपना लाइटर उठाया और एनवेलप में आग लगा दी। ये देखकर सैंडी एक पल के लिए हैरान होकर बोला, सर आप क्या कर रहे हैं? अभय ने अपने अंदाज में रिप्लाई किया, जो मुझे करना चाहिए। सैंडी को समझ में आ चुका था कि रिपोर्ट में क्या होगा, इसीलिए उसने दोबारा कुछ कहना ठीक नहीं समझा। कुछ देर में रिपोर्ट जलकर खाक हो गई। अभय ने सैंडी की ओर देखा और कहा, ये बात कभी सायशा को पता नहीं चलनी चाहिए। सैंडी ने हाँ में सर हिला दिया। सैंडी के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर अभय ने कहा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सैंडी ने जवाब दिया, सर मुझे आपकी फिक्र हो रही है, पता नहीं क्यों पहली बार आपके लिए बहुत डर लग रहा है। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। उसने रिप्लाई किया, सैंडी जो होना था वो तो हो चुका है, उसे हम चाह कर भी नहीं बदल सकते, लेकिन आगे जो होगा वो होगा जो मैं चाहूंगा। अभय की बात सुनकर सैंडी ने उसकी ओर देखा और खुश होते हुए कहा, सर इसका मतलब अब फिर से आप और सायशा मीम साहब एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे, है ना? अभय ने उसकी बात खत्म होते ही जवाब दिया, अब तो कयामत भी हमें अलग नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ सच्चाई जानने के बाद हम दोनों परेशान हो गए, लेकिन हमारी फीलिंग एक दूसरे के लिए नहीं बदली है, और मुझे पता ये फीलिंग कभी बदल भी नहीं सकती। ये कहते हुए अभय ने गहरी सांस ली और वहां रखी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर सैंडी गौर से उसकी बातें सुन रहा था। अभय ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने सायशा के साथ शादी की है और हमेशा उसके साथ रहने का उसे प्रॉमिस दिया है। उसका और अपने बेटे का ध्यान रखना मेरा फर्ज है और मैं कभी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। उसकी बात सुनकर सैंडी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अब वो श्योर हो चुका था कि इस रिपोर्ट की वजह से अभय और सायशा के बीच दूरी नहीं आएगी। अभय ने सैंडी की ओर देखकर कहा, रात काफी हो गई है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए। ओके सर, बोलकर सैंडी वहां से चला गया। अगली सुबह 9 बजे अभय डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। इस वक्त सायशा उसे नाश्ता सर्व कर रही थी। सैंडी और घर के कुछ सर्वेंट्स उनकी टेबल के पास हाथ बांधे हुए खड़े हुए थे। अभय ने अपनी प्लेट पर नजर डाली और कहा, खाने की खुशबू से मुझे समझ में आ रहा है कि चाय नाश्ता तुम्हारे हाथों का बना है। ये कहते हुए अभय ने सायशा पर नजर डाली। जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया और कहा, हाँ
ये कहते हुए सायशा भाई के पास वाली चेयर पर बैठ गई। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम इतना कुछ मैनेज कैसे कर लेती हो? रात में तुम्हें आयांश इतना परेशान करता है और सुबह जल्दी उठकर तुमने इतना कुछ बना लिया? सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, दरअसल अमित अपने कुछ दोस्तों के साथ खंडाला गया है और उसे मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अमित के लिए खाना पैक कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर अभय ने हंसते हुए कहा, अच्छा इसका मतलब ये सारा कुछ अमित के लिए किया गया है? जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया और उसकी ओर देख कर कहा, अभय जल्दी से अपना सारा नाश्ता खत्म करो, तुम्हारी मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है। अभय ने स्माइल कर दिया और नाश्ता करने लगा। तभी अभय की नजर सायशा की प्लेट पर गई। उसने हमेशा की तरह अपनी प्लेट पर थोड़ा सा खाना रखा था। ये देखकर अभय ने उसकी चेयर अपनी ओर सरकाई और उसे अपनी प्लेट से खाना खिलाने लगा। कुछ देर के बाद सायशा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, अभय मैं ज्यादा नहीं खा सकती। उसकी बात सुनकर अभय ने आंखें से घोर कर कहा, सायशा तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए, आयांश भी तुम पर डिपेंड है। उसकी बात सुनकर सायशा ने हंसते हुए कहा, अभय क्या तुमने मुझे गाय समझ कर रखा है? उसकी बात सुनकर अभय जोर से हंस पड़ा। आज काफी दिनों बाद अभय खुलकर हंसा था। उसे हंसते देखकर सायशा को भी अच्छा लगा और वो भी उसके साथ हंसने लगी। इस वक्त टेबल पर खुशनुमा माहौल था। सायशा ने कुछ देर बाद अभय की ओर देखा और कहा, अभय मैं फिर से कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अभय चुप था। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरी मैटरनिटी लीव भी खत्म होने को आ गई है और मैं जल्द से जल्द कॉलेज जाना चाहती हूँ। सायशा को अभय पर पूरा यकीन था कि वो उसे जॉब पर वापस जाने से मना करेगा, लेकिन इस बार वो गलत निकली। अभय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है लेकिन आयांश को कौन संभालेगा? जवाब में सायशा तुरंत बोल पड़े, आयांश के लिए यहाँ सैंडी और मैरी दोनों हैं। आयांश उन दोनों के पास बहुत खुश रहता है और वैसे भी मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। अभय ने रिप्लाई किया, ठीक है तुम कॉलेज ज्वाइन कर लो। उसकी बात सुनकर सायशा बहुत खुश हुई और थोड़ी हैरान भी हुई। फिर उसने हैरान होते हुए कहा, अभय मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे कॉलेज जाने से मना करोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुमने एक बार में हाँ कह दिया, क्यों? उसकी बात सुनकर अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मुझे पता है तुम्हें कॉलेज जाकर खुशी मिलती है, तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच कैसे आ सकता हूँ? सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू कहते ही अभय कहने वाला था कि मैं ऐसे थैंक यू नहीं लेता, लेकिन कुछ सोच कर वो चुप रह गया। बस उसने स्माइल करते हुए कहा, यू आर ऑलवेज वेलकम। उनका ब्रेकफास्ट हो चुका था, अभय अपने ऑफिस के लिए निकल गया और सायशा एक बार फिर आयांश के साथ बिजी हो गई थी। इसी बीच इन दोनों का वक्त कैसे निकल गया इन्हें पता ही नहीं चला। शाम के 7 बजे सायशा आयांश के साथ खेल रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल देखा, मोबाइल स्क्रीन पर अभय का नाम डिस्प्ले हो रहा था। सायशा ने तुरंत फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से अभय ने कहा, मुझे लगा तुम आयांश के साथ बिजी होगी इसीलिए शायद फोन रिसीव नहीं कर पाओगी। जवाब में सायशा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे कॉल किया, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? उसकी बात सुनकर अभय ने कहा, सायशा आज डिनर पर मेरा वेट मत करना, कुछ क्लाइंट्स के साथ मैं डिनर बाहर ही करने वाला हूँ। सायशा ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है अभय लेकिन ज्यादा स्पाइसी खाना मत खाना, तुम्हारी सेहत को सूट नहीं करता। सायशा के मुंह से अभी अपने लिए केयरफुल बातें सुनकर अभय के दिल को सुकून पहुंचा। उसने ओके सायशा मैं ध्यान रखूंगा कहा और फोन कट कर दिया। रात के 10 बज चुके थे। सायशा अपने बेडरूम में आयांश को सुला रही थी। आयांश सो चुका था लेकिन सायशा की आंखों में अभय के लिए इंतजार था। वो बार बार अभय के लिए वेट कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे, अभय अब तक नहीं आया। सायशा ने अभय को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल उठाया और फिर कुछ सोचकर उसने अपना फोन वापस रख दिया और सोफे पर बैठकर बुक पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे बेडरूम में किसी की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजे की ओर देखा तो अभय एक बड़े से सूटकेस के साथ रूम के अंदर एंटर हुआ। अभय के साथ सूटकेस देखकर सायशा ने हैरान होते हुए कहा, अभय तुम्हें किसका लगेज लेकर घूम रहे हो? अभय ने सूटकेस उठाकर सायशा के सामने रख दिया और कहा, इसमें मेरी वाइफ के लिए कुछ डिजाइनर कपड़े हैं। उसकी बात सुनकर सायशा ने आंखें से घोर कर कहा, अभय मेरे पास ऑलरेडी ढेर सारे कपड़े हैं, तुम्हें ये सब लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अभय ने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, तुम्हारे सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं, उन्हें अपने कबर्ड से हटा दो और मैंने जो कपड़े लाए हैं उसे अपने कबर्ड में सेट कर लो। ये कहते हुए अभय सायशा के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। जवाब में सायशा ने स्माइल किया और हाँ में सर हिलाया। उसने अपनी बुक टेबल पर रख दी और सूटकेस उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सूटकेस इतना हैवी था कि वो उसे हिला भी नहीं पाई।
अभय अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसका सूटकेस लेकर उसके कबर्ड के सामने रख दिया और उसने साइशा की ओर देखकर कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ खाना अच्छी तरह से खाया करो, देखो तुमसे एक सूटकेस भी नहीं उठाया जा रहा। उसकी बात सुनकर साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे भी वो जवाब कह दी थी, उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। साइशा ने सूटकेस ओपन किया, उसमें ढेर सारे महंगे डिजाइनर कपड़े रखे हुए थे। ये देख कर साइशा ने हैरान होते हुए अभय पर नजर डाली और कहा, अभय तुम्हें इतने महंगे कपड़े लाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें तो पता है ना मुझे इतने महंगे कपड़े कैरी करने की आदत नहीं है। अभय हाथ बांध कर उसकी ओर देख रहा था। साइशा ने अभय की ओर देख कर कहा, प्लीज मुझ पर इतने पैसे वेस्ट मत किया करो। उसके इतना कहते अभय बोल पड़ा, ये तुम कैसी बातें कह रही हो साइशा, मुझे तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने खुद शोरूम से जाकर तुम्हारे लिए ड्रेसेस परचेस की है, मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और एक तुम हो जो खुश होने की बजाय मुझे लेक्चर दे रही हो। जवाब में साइशा ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, नहीं अभय मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। उसकी बात खत्म होते ही अभय तुरंत बोल पड़ा, मुझे तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझना है, अपनी ड्रेस अपने कबर्ड में सेट कर लो। साइशा ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और कपड़े सूटकेस से निकाल कर अपने कबर्ड में सेट करने लगी। तभी साइशा की नजर सूटकेस के नीचे वाले हिस्से पर गई, जिसमें कुछ पर्सनल चीजें भी रखी हुई थी। उसे देखकर एक पल के लिए साइशा शर्मा गई और उसने तुरंत उन्हें उठाकर कबर्ड के अंदर डाला और कबर्ड जल्दी से बंद कर दिया। फिर उसने अभय पर नजर डाली, अभय उसकी इस हरकत पर जोर से हंस रहा था। उसे हंसते देखकर साइशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झिझकते हुए कहा, तुम क्यों हंस रहे हो। अभय ने नहीं में सर हिलाया और कहा, अब तुम एक बच्चे की माँ बन गई हो, लेकिन अब भी तुम्हारी क्यूटनेस कम नहीं हुई है, सचमुच तुम अभी बहुत क्यूट हो। ये कहते हुए अभय ने उसकी नाक खींची। साइशा चुप थी और अभय उसे देखकर कंटिन्यूसली हंसे जा रहा था। साइशा ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम्हें मुझ पर ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। अभय ने उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, साइशा सचमुच तुम जरा भी नहीं बदली। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक साइशा ने अभय से जोर से कहा, अभय उधर देखो। अभय ने भी हैरानी से उस ओर देखा। क्या हुआ होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। रात के 1 बज चुके थे। साइशा बेड पर अपनी जगह पर आकर लेट गई कि तभी आयांश रोने लगा। साइशा ने उसे गोद में उठाया और अभय पर नजर डाली, जो कि बेड के दूसरे कोने पर लेटा हुआ था। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अभय आयांश रो रहा है। अभय ने कंधे उचका कर कहा, तो उसे चुप कराओ। साइशा ने आंखें गोल घुमा कर कहा, अभय वो भूखा है। उसकी बात सुनकर अभय ने आंखें से गोर कर कहा, क्या तुम मुझे रूम से बाहर जाने कह रही हो। साइशा उसके इस सवाल पर चुप थी। अभय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो बेड से नीचे उतरा और बेडरूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद साइशा ने गहरी सांस लेकर खुद से कहा, थैंक गॉड ये बाहर चला गया। एक बार फिर साइशा को बेडरूम में किसी के आने की आहट सुनाई दी। साइशा ने दरवाजे पर देखा, दरवाजे पर अभय मौजूद था। साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अभय तुम यहाँ क्या कर रहे हो, प्लीज यहाँ से जाओ ना। अभय ने रिप्लाई किया, मैं तुमसे ये कहने आया था कि मैं पास वाले रूम में हूँ, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना। साइशा ने आंखों से हाँ का इशारा कर दिया। अभय ने दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। अभय अपने बेडरूम में बालकनी में मौजूद था। इस वक्त उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखा, रात के 3 बज रहे थे। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अंकल आपकी वजह से मेरी शादीशुदा लाइफ की बैंड बच गई है। ये सोचते हुए अभय अपने बेडरूम से बाहर निकला और धीरे से साइशा के रूम में एंटर हुआ। इस वक्त वहां पूरी तरह अंधेरा था। अभय साइशा के पास रखे चेयर पर बैठ गया। अंधेरे में कुछ देर तक रहने की वजह से उसकी आंखें अंधेरे में सेट हो गई थी, इसीलिए वो साइशा का चेहरा देख पा रहा था। इस वक्त साइशा काफी गहरी नींद में थी और आयांश भी गहरी नींद में सो रहा था। साइशा और आयांश को देखकर अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने सोते हुए आयांश के सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उसने साइशा के बालों को सहलाया। उसके ऐसा करते ही साइशा हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और वो जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि तभी अभय उसके होठों को अपनी हथेली से बंद कर दिया और धीरे से कहा, अपने पति को भी नहीं पहचानती तुम। उसकी बात सुनकर साइशा ने आंखें बड़ी करते हुए अभय को देखा और टेबल लैंप चालू कर दिया। साइशा ने अभय का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा, इतनी रात हो गई है तुम अब तक सोए नहीं। अभय ने नहीं में सर हिला दिया। फिर साइशा ने तुरंत अपना अगला सवाल उस पर फेंका, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें रात में नींद नहीं आती, आधी रात को तुमने मुझे डरा दिया,
ये कहते हुए सायशा जमाई लेने लगी। अबे ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। ये बोलकर वो उठकर खड़ा हो गया। सायशा को अभय से ये उम्मीद भी नहीं थी। सायशा भी उठकर खड़ी हुई और उसने अभय की ओर देखकर कहा, अभय क्या बात है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे रात में नींद नहीं आती है, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया कि ढेर सारी नींद की गोलियां खाने के बावजूद आंखों में नींद नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सायशा ने आंखें से गौर कर कहा, क्या और ये प्रॉब्लम तुम्हें कब से है? अभय ने कंधे उचका कर कहा, जब से तुम्हारे बिना रहने की कोशिश कर रहा हूँ तब से। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे और उसकी ये बात सायशा के दिल तक पहुंची। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, इसका मतलब तुम इतनी रातों से सो ही नहीं? हूँ। अभय ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए सायशा को शो किया और कहा, क्या मेरी आंखों ने तुम्हें नहीं बताया? उसकी ये बात सुनकर सायशा का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। अभय ने उसके माथे को रब करते हुए कहा, तुम सो जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर अभय बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा। सायशा ने उसे आवाज देकर कहा, अभय अगर तुम चाहो तो यहाँ इस बेड पर सो जाओ, शायद तुम्हें नींद आ जाए। उसके इस बात पर अभय ने कहा, अगर मैं यहाँ सोता हूँ तो तुम्हारे असूलों का क्या होगा और मैंने तुमसे जो वादा किया है उसका क्या होगा? जवाब में सायशा ने कहा, वो सब तुम्हारे आगे बेमायने हैं। ये बोलकर सायशा उसकी आंखों में देखने लगी। अभय ने नहीं में सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे उसूल टूटने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद अभय बेडरूम से बाहर निकलने लगा। सायशा दौड़कर उसके पास पहुंची और उसकी ओर देखकर बोली, अभय रात को नींद ना आना ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये मेंटल डिसऑर्डर का पहला सिम्टम है। उसकी बात सुनकर अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? सायशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अपनी माँ को रात भर जागते देखा है और उन्हें रात के अंधेरे में खुद से लड़ते भी देखा, लेकिन उस वक्त मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि मैं उनकी तकलीफ समझ पाऊं। अभय गौर से उसकी बातें सुन रहा था। सायशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरी माँ हर वक्त जागती रहती थी, उन्हें नींद ना आने से उनका दिमाग ढेर सारी परेशानियों में उलझ गया और उनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम बड़े से डिप्रेशन की वजह बन गई, ये मैं समझ ही नहीं पाई, इसीलिए अभय मैं तुमसे कह रही हूँ अपने आप को आराम दो। अभय उसकी बातें सुनकर चुप था। सायशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड के दूसरे साइड में लिटा दिया और कहा, यहाँ सोकर देखो, हो सकता है तुम्हें नींद आ जाए। ये बोलकर वो बेड के दूसरे साइड चली गई और सचमुच अभय को वहाँ लेटते ही गहरी नींद आ गई। इस बीच सायशा ने कई बार उठकर अभय को देखा था और उसे अभय को गहरी नींद में सोते देखकर अच्छा लगा। सुबह के 6:30 बज चुके थे। सुबह होते ही आयांश रोने लगा। आयांश की आवाज सुनकर सायशा की नींद खुली और उसने तुरंत आयांश को गोद में उठा लिया। उसने एक नजर अभय पर डाली, वो अब तक गहरी नींद में सो रहा था। सायशा आयांश को लेकर दूसरे रूम में चली गई। आयांश को चुप कराकर जैसे ही वो बाहर निकली, वहां अमित मौजूद था। अमित ने आयांश को जैसे ही गोद में लिया वो चुप हो गया। अमित ने सायशा की ओर देखकर कहा, भाभी आयांश अपने चाचों के साथ खेलने जा रहे, आप आराम कर लीजिए। ये बोलकर वो बगैर सायशा का जवाब सुने वहां से आयांश को लेकर चला गया। उसके वहां से जाने के बाद सायशा जैसे ही अपने रूम में एंटर हुई, अभय बेड पर उठकर बैठा हुआ था। अभय को देखकर उसने कहा, अभय तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तुम कुछ देर और सो जाओ। अभय ने आलस करते हुए कहा, नहीं सायशा, मेरी नींद महीनों बाद पूरी हुई है, थैंक यू सो मच। ये कहते हुए उसने आयांश के बारे में पूछा। सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, वो अपने चाचू के साथ खेलने गया है। अभय ने कुछ नहीं कहा। कुछ सोचकर उसने सायशा की ओर देखा और कहा, क्या मैं अपने बच्चे और बच्चे की माँ के साथ सो सकता हूँ? ये सवाल कहते वक्त अभय के चेहरे पर काफी अजीब से भाव थे। सायशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। दोपहर के 2 बजे अभय ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस के लिए निकल चुका था और सायशा लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठकर अपनी बुक पढ़ रही थी कि तभी उसका फोन बजा। सायशा ने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से अभय की आवाज आई, सायशा तुम कल से कॉलेज जा सकती हो, मैंने वहां बात कर ली है। उसकी बात सुनकर सायशा ने खुश होकर कहा, थैंक यू अभय। दूसरी साइड से उसकी आवाज आई, यू आर ऑलवेज वेलकम। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। सायशा बहुत खुश थी कि अब वो नेक्स्ट डे से अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौट जाएगी। सोमवार का दिन सुबह 8 बजे सायशा हमेशा की तरह टाइम पर यूनिवर्सिटी पहुंची। वो जैसे ही स्टाफ रूम की ओर गई, वहां मौजूद मिसेस सिन्हा की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो खुश होकर जोर से चिल्ला पड़ी। उनकी आवाज सुनकर वहां मौजूद सारे लोग सायशा की ओर देखने लगे। निशांत, लावण्या और मिसेस सिन्हा सायशा के पास पहुंची। सायशा को अपने सामने देखकर लावण्या ने उसे कसकर गले से लगा लिया और खुश होती हुई बोली,
मैं तुम्हें बता नहीं सकती इस बीच मैंने तुम्हें कितना मिस किया। साइशा ने सभी की ओर देखकर कहा, मैंने भी आप सभी को बहुत मिस किया। निशांत ने शिकायती लहजे में कहा, साइशा मुझे तुमसे ढेर सारी शिकायतें हैं, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए, तुमसे मिलने भी गया था, फिर पता चला कि तुम घर पर नहीं हो। निशांत की बात सुनकर मिसेस सिन्हा ने उसे समझाते हुए कहा, निशांत वो कहीं बिजी हो गई होगी, अब अपने शिकायतें छोड़ो और इस लम्हे को यादगार बनाओ। जवाब में निशांत ने स्माइल कर दिया। आज कई दिनों बाद कॉलेज आकर साइशा बहुत खुश थी। आज उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जब उसने पहली बार यहाँ कदम रखा था, वही एनर्जी उसे आज भी महसूस हो रही थी। निशांत और मिसेस सिन्हा की क्लासेस थी, इसीलिए वो दोनों वहां से चले गए। लेकिन लावण्या अपनी क्लास लेने नहीं गई, वो साइशा के साथ स्टाफ रूम में बैठकर बातें कर रही थी। लावण्या ने उसकी ओर देखकर कहा, साइशा इस बीच तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं मिल रही थी। उसकी बात सुनकर साइशा थोड़ी सीरियस हो गई, फिर उसने कुछ सोच कर कहा, दरअसल मैं मीडिया वालों से बचने के लिए दिल्ली चली गई थी। उसकी बात खत्म होते ही लावण्या बोल पड़ी, तुमने अपना नंबर भी स्विच ऑफ कर रखा था। ये कहते वक्त लावण्या के चेहरे पर ढेर सारे सवाल थे। साइशा ने रिप्लाई किया, दरअसल अभय नहीं चाहता था कि मुझे कोई फोन पर परेशान करे, इसीलिए मैंने फोन बंद कर दिया था। उसकी इस अजीबोगरीब बात को सुनकर लावण्या ने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन आज के टाइम पर बिना मोबाइल के रहना कैसे पॉसिबल है। साइशा ने गहरी सांस लेकर कहा, लावण्या इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, दरअसल वो अपने और अभय की सच्चाई किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। अच्छा तुम मेरी बातें छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी और समीर की लव स्टोरी कहाँ तक पहुँची। हूँ ये कहते हुए उसने लावण्या को कोहनी मारी। उसकी बात सुनकर लावण्या के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, मुझे लगता है शायद हम रिलेशनशिप में आ चुके हैं। उसकी बात सुनकर साइशा ने आंखें सिकोड़ कर कहा, तुमने अपनी बात में शायद क्यों लगाया, क्या तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर श्योर नहीं हो। उसकी बात सुनकर लावण्या ने हंसते हुए कहा, हम हफ्ते में एक बार मिलते हैं, उस दौरान मैं समीर का हाथ पकड़ लेती हूँ और वो मुझे ऐसा करने से मना नहीं करता, हम लंच साथ में करते हैं और उस वक्त मैं समीर की प्लेट में खाती हूँ और वो मुझे रोकता नहीं है, और इतना ही नहीं हम साथ में मूवी जाते हैं तो उस दौरान मैं समीर के कंधे पर सर रखती हूँ और वो मुझे खुद से दूर नहीं करता, और इतना ही नहीं एक बार मैंने समीर को किस किया था, उसने मुझे अपने करीब आने से नहीं रोका, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हम रिलेशनशिप में हैं। लावण्या की बात सुनकर साइशा ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, लावण्या ये तुम क्या कह रही हो, तुमने समीर को किस किया। लावण्या ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे ऐसा लगा समीर मेरे करीब नहीं आ रहे तो क्या हुआ, मैं उसके करीब तो जा सकती हूँ ना, बस इसीलिए उसके करीब जाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लावण्या की ये बात सुनकर न जाने की साइशा को बहुत खुशी हुई। उसने उसकी ओर देख कर कहा, सचमुच लावण्या तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम बहुत बहादुर भी हो जो समीर के करीब जाने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद साइशा ने लावण्या निशांत और मिसेस सिन्हा को डिनर पर पैलेस में इनवाइट किया। आज साइशा ने अपने हाथों से डिनर रेडी किया था और वो बेसब्री से सभी के आने का वेट कर रहे थे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। रात के 10 बज रहे थे। साइशा, मिसेस सिन्हा, निशांत और लावण्या के साथ घर के लिविंग रूम में मौजूद थी। उनका डिनर हो चुका था। वो सारे इधर उधर की बात करने में बिजी थे और निशांत इस वक्त अपने मोबाइल फोन पर बिजी था। कुछ देर बाद निशांत ने हैरान होते हुए सभी की ओर देखा और कहा, गाइस क्या आप लोगों ने आज की न्यूज देखी। सभी उसकी ओर हैरान होकर देखने लगे। निशांत ने वहां मौजूद सैंडी को टीवी पर न्यूज चैनल लगाने के लिए कहा। सैंडी ने न्यूज चैनल लगा दिया। सभी टीवी की ओर देखने लगे। टीवी पर न्यूज डिस्प्ले हो रही थी। न्यूज रिपोर्टर जोर जोर से न्यूज कह रही थी, मिस राशि अहलूवालिया जेल से रिहा हो चुकी है। ये कहते हुए वो न्यूज रिपोर्टर राशि के जेल से बाहर आने तक की न्यूज कवर कर रही थी। इस न्यूज को देखकर साइशा एक पल के लिए हैरान हुई। टीवी पर राशि के साथ मिस्टर अहलूवालिया और हर्ष भी नजर आ रहे थे। वो दोनों से रिसीव करने पहुंचे थे। इस न्यूज को देखकर मिसेस सिन्हा ने साइशा की ओर देखा और कहा, साइशा क्या तुम्हें पता था कि आज राशि जेल से बाहर आने वाली है। साइशा ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, मुझे ये पता था कि ये एक महीना जेल में रहेगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने दिनों से जेल में थी। निशांत ने साइशा की ओर देखकर कहा, मिस्टर खन्ना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इसे जेल से बाहर न आने देने के लिए। साइशा उसकी बात सुनकर चुप थी। लावण्या ने कहा,
ये बात पूरी दुनिया को पता थी कि राशि ने साइशा को नुकसान पहुंचाया था, और वो भी उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी। इसीलिए मिस्टर खन्ना ने उसकी तकलीफ में कोई कमी नहीं की। ये लास्ट लाइन लावण्या ने अभय के अंदाज में कही थी, और उसकी ये बात सुनकर सारे लोग जोर से हंस पड़े। मिसेस सिन्हा अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने साइशा की ओर देखकर कहा, साइशा अब मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। थैंक यू हमें डिनर पर इनवाइट करने के लिए। उनकी बात सुनकर साइशा ने उन्हें रुकने के लिए ज्यादा जिद नहीं की, क्योंकि रात हो चुकी थी। साइशा ने सैंडी की ओर देखकर कहा, सैंडी सभी को उनके घर ड्रॉप कर दो। सैंडी ने ओके मैडम कहा और बड़े तरीके से मिसेस सिन्हा और निशांत को वहां से चलने का इशारा किया। लावण्या ने उनकी ओर देखकर कहा, आप लोग जाइए, मुझे पिक करने समीर आने वाला है। लावण्या की बात सुनकर मिसेस सिन्हा ने उसे शरारती नजरों से देखा और हां में सर हिला दिया और वहां से चली गई। मिसेस सिन्हा और निशांत वहां से सैंडी के साथ जा चुके थे। उनके वहां से जाने के बाद लावण्या ने साइशा की ओर देखकर कहा, साइशा क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि राशि तुमसे अपना बदला लेने फिर से आएगी? उसकी बात सुनकर साइशा ने जवाब दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। लावण्या और साइशा बात करते हुए पैलेस के बाहर बने खूबसूरत गार्डन की ओर आ चुके थे। लावण्या ने एक बार फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, जहां तक मैं राशि को जानती हूँ वो बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है। इस बार वो तुमसे बदला लेने के लिए अपनी लिमिट भी क्रॉस कर सकती है। साइशा ने एक बार फिर गहरी सांस लेकर कहा, तुम ठीक कह रही हो। जेल से बाहर आने के बाद आई एम श्योर उसका दिमाग पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका होगा। दूसरी ओर राशि मिस्टर अलवालिया और हर्ष के साथ अलवालिया हाउस पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करने वाली थी, इसके पहले मिसेस अलवालिया ने उसे बाहर रोकते हुए कहा, मेरी बच्ची इतने दिनों बाद अपने घर लौटी है, पहले मुझे अपनी बच्ची की नजर उतार लेने दो। ये कहने के बाद मिसेस अलवालिया जैसे ही राशि के करीब आई, राशि ने गंदा सा मुंह बनाकर कहा, आप लोग ये सब नाटक बंद कीजिए, कि बोलकर वो घर के अंदर एंटर हो गई। मिसेस अलवालिया ने रंजन की ओर देखा। हर्ष ने आंखें गोल घुमाकर कहा, जाइए अब अपनी बेटी को मनाइए। ये बात उसने काफी बेपरवाही से कही थी। मिसेस अलवालिया ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आज वो तुम्हारी बहन है। हर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और वो भी घर के अंदर चला गया। इस वक्त राशि घर के आलीशान लिविंग रूम में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मिसेस अलवालिया उसके करीब बैठकर उसे अपनी बाहों में भरती हुई बोली, मेरी बच्ची, मैंने कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है। मेरी बच्ची के बगैर ये घर बेजान सा हो गया था। ये कहते हुए वो आंसू बहाने लगी। राशि ने उन्हें खुद से दूर ढकेलते हुए कहा, ये सब ड्रामा बंद कीजिए। अगर आपको मेरी इतनी ही ज्यादा परवाह थी तो आप लोगों ने मुझे जेल से बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों आप लोगों ने मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था? हा? ये कहते हुए उसने गुस्से भरी नजर से अपनी माँ को देखा। मिसेस अलवालिया ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी बच्ची, मेरी बातों का यकीन करो। तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई ने दिन रात एक कर दिया था। अच्छे से अच्छा वकील अभय खन्ना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, कि बोलकर वो राशि के बालों को सहलाने लगी। लेकिन राशि इतनी आसानी से उनकी बात कैसे मान लेती? उसने उनका हाथ खुद से दूर झटकते हुए कहा, मॉम, अगर वकील सीधी तरह से नहीं मान रहे थे तो क्या भाई और डैड उन्हें अपने तरीके से नहीं समझा सकते थे? ये कहने के बाद उसने गुस्से भरी नजरों से हर्ष और रंजन को देखा। उसकी बात सुनकर हर्ष ने उसे डांटते हुए कहा, राशि, एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से हमें बातें सुनाती हो। उसकी ये बात सुनकर राशि ने उस पर भड़कते हुए कहा, भाई, आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी ना? आफ्टर ऑल आपकी प्यारी साइशा को जो नुकसान हुआ था, है ना, इसीलिए आपने मुझे जेल में पड़े रहने दिया, वरना आप चाहते तो कब का मुझे जेल से छुड़ा लाते। हर्ष ने आंखें गोल घुमाकर कहा, राशि, माँ जो कह रही है ठीक कह रही है। यकीन करो, मैंने और डैड ने तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कितना कुछ नहीं किया। एक तो वैसे ही हमारी कंपनी नुकसान में चल रही है और तुम्हारे जेल चले जाने की वजह से हमने करोड़ों रुपए तुम्हें बाहर लाने में फूंक दिए। हर्ष की बात सुनकर मिसेस अलवालिया ने उसे डांटते हुए कहा, हर्ष, क्या सचमुच तुम अभी पैसों को लेकर परेशान हो? क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हारी प्यारी बहन जेल से बाहर आ चुकी है? उसकी बात सुनकर हर्ष ने आंखें चौड़ी करते हुए राशि को देखा और कहा, मेरा बस चलता तो मैं इसे और कुछ दिन जेल में ही रहने देता। उसकी बात सुनकर राशि ने चिल्लाकर रोते हुए कहा, मुझे पता है, आप लोगों में से कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। सब यही चाहते थे कि मैं जेल से बाहर ही ना आऊं। वहां मौजूद मिस्टर रंजन ने सभी को जोर से डांटते हुए कहा, क्या तुम लोग कुछ देर शांत बैठ सकते हो? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अलवालिया हाउस नहीं बल्कि एनिमल हाउस है। अगले दिन दोपहर 3 बजे साइशा जैसे ही अपनी क्लास खत्म करके बाहर निकली, उसका मोबाइल बजा।
उसने अपने हैंड पर्स से मोबाइल निकाला। मोबाइल स्क्रीन पर राशि का नाम डिस्प्ले हो रहा था। उसका नाम देखकर साइशा ने फोन कट कर दिया, लेकिन उसके फोन कट करते ही एक बार फिर राशि ने उसे कॉल किया। साइशा को समझ में आ चुका था कि जब तक वो राशि से बात नहीं करेगी तब तक राशि कंटिन्यूसली उसे फोन करके परेशान करती रहेगी, इसीलिए उसने भारी मन से फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही दूसरे साइड से राशि की तेज आवाज आई, चुड़ैल कहीं की, अब तुम्हें शांति मिल गई? तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन तक जेल में रही, तुम तो बहुत खुश हुई होगी ना? उसकी आवाज से उसकी नफरत साफ झलक रही थी। साइशा ने जवाब दिया, राशि दोबारा ऐसी हरकत मत करना कि तुम्हें फिर से जेल जाना पड़े। राशि ने तिलमिलाते हुए कहा, यू बिच, तुम्हारी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तुम्हें पता भी है तुमने जानबूझकर मेरे अभय के सामने नाटक किया था ना कि तुम तकलीफ में हो ताकि मुझे जेल हो जाए। उसकी बात सुनकर साइशा ने गहरी सांस ली और कहा, राशि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जेल से बाहर निकलने के बाद तुम पहले से भी ज्यादा पागल हो गई हो और तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर राशि ने गुस्सा करते हुए कहा, साइशा जबान संभाल कर बात करो, जिस अभय के दम पर तुम इतना उचक रही हो ना, उस अभय को मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी और तुम्हें पूरी तरह अकेला कर दूंगी, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारी माँ अकेली थी अपनी बेटी के साथ, ठीक उसी तरह तुम भी अपने बेटे के साथ अकेली जिंदगी काटोगी, ये मेरा वादा है। उसकी बात सुनकर साइशा को हंसी आ रही थी। उसने टॉन्ट मारते हुए कहा, राशि तुम बिल्कुल नहीं बदली, अब भी उसी तरह खुली आंखों से सपने देखती हो जिस तरह पहले देखा करती थी। जब तुम जेल से बाहर रहकर अभय को अपनी तरफ नहीं कर पाई तो जेल से बाहर निकलकर तुम क्या कर लोगी? हाँ, राशि ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, साइशा अब तो मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि तुम्हें खन्ना ब्रदर्स भी मुझसे नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए तुम अपनी उल्टी गिनती गिनने के लिए तैयार हो जाओ, साइशा ने फोन पर कहा। मुझे लगता है आज तुम अपनी पूरी बकवास सुनाने के लिए मुझे फोन की हो, और तुम्हें पता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं रहता। राशि को फोन पर धमकी देते हुए हर्ष ने देख लिया था। हर्ष ने राशि के हाथ से फोन छीन कर फोन कट कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, राशि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पिछले बार तो अभय ने सिर्फ तुम्हें जेल ही पहुंचाया था, इस बार तुम्हारा क्या हाल करेगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगी, उस समय मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके फोन कट करते ही राशि ने दोबारा साइशा का नंबर डायल किया, लेकिन इस बार साइशा ने उसका फोन पिक नहीं किया और कॉलेज से वापस पैलेस के लिए निकल पड़ी। पैलेस पहुंचते ही साइशा ने मैरी को देखते ही पूछा, मैरी आयश ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? जवाब में मैरी ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मैडम, आयश बाबा की नींद सिर्फ एक बार खुली और आपके बताए गए फॉर्मूला मिल्क को मैंने दे दिया, उस समय से बाबा सो ही रहे हैं, साइशा ने सैंडी से बात करते हुए कहा। सैंडी क्या अभय घर पर आ गए? सैंडी ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, मैडम सर अभी तक नहीं आए हैं, क्या आपके लिए खाना लगा दूं? तभी साइशा का फोन बजा। फोन मिसेस सिन्हा का था। फोन पिक करते मिसेस सिन्हा बोल पड़ी, साइशा क्या तुमने न्यूज देखी? देखो तुम्हारे बारे में क्या अफवाह उड़ाई जा रही है। आखिर में ऐसी कौन सी अफवाह होगी जिसने मिसेस सिन्हा को मजबूर किया कि वो साइशा को इतनी रात गए फोन करती? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।